धन्यवाद करते हैं अज के दिन वास्ते। प्रभु ने सानू एक बार फिर मौका दिता, असी फिर सज्जन इकट्ठे हैं परमेश्वर की हजूरी दे विच, परमेश्वर के कलाम नू लैके। हालेलुया। तो प्रभु तुहानू सारयां नू ब्लैस कर, तुहाडा सारयां दा स्वागत करदे हां परमेश्वर की हजूरी दे विच। तुहाडे पूरे परिवार का स्वागत करते हैं, जिन्हें भी जन इस वचन को सुन रहे हैं, जिहड़े भी लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे, उन सारे मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी च। और मेरा विश्वास है अज का वचन तुहाडी लाइफ यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी नाम के विच। हालेलुया। तो अपनी बाइबल नू अपने उठाओ और अपने मन नू तैयार करो, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का कलाम अज तुहाडी जिंदगी च वड्डा काम करे। अज एक परमेश्वर ने एक बहुत जबरदस्त टॉपिक दिता, एक बहुत जबरदस्त कलाम दिता तुहाडे सब दे लई। और अज रूह तुहाडे नाल गल करेगा, परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे नाल गल करेगा। और सचमुच मैं नहीं जानता कि तुहाडी जिंदगी च की कमियां घटियां ने, की चल रहा तुहाडी जिंदगी च, तुसीं किस समस्या चों निकल रहे हो, किस बीमारी चों निकल रहे हो, पर वह परमेश्वर, वह रूहे पाक, वह पवित्र आत्मा, वह हर एक चीज़ नूं जानण वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन दसदा हैगा वो हर एक दिन नाम नूं जानण वाला परमेश्वर है। वो जदों असी माता दे गर्भ दे विच नहीं सी, उदों पहलां ही वो साडा नाम भी उहनूं पता हैगा। हालेलुया। तो वो सानू जानदा हैगा साडा की नाम है, किहड़ा छोटा नाम है, किहड़ा वड्डा नाम है, साडे घर च किन्ने लोक है, वो साडे हालातां नूं जानदा, वो समझदा सारे हालातां नूं। हालेलुया। और अज परमेश्वर दा कलाम तुहाडे नाल गल करे, तुहानूं एक सच्ची तसली देवे, सच्चे हौसले ना परे, और तुहाडी जिंदगी बदले यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। परमेश्वर दे कलाम नूं, कलाम दा आदर करो, आराम नाल बैठ के वचन नूं सुनो और वचन नूं नोट करो, लिखो वचन नूं। और क्योंकि जिन्ना तुसीं वचन नूं आदर दोगे, परमेश्वर भी तुहानूं उन्ना ही आदर देंगे, क्योंकि वह खुद वचन है। हालेलुया। तो सचमुच अज दे वचन तो बाद तुहाडी लाइफ चेंज होने वाली है यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। और अज असीं अक्सर एक चीज़ देखते हैं कि अज बहुत सारे विश्वासी लोगों असीं देखते हैं, बहुत सारे नवे परिवार आते हैं, बहुत सारे पुराने परिवार जिहड़े बहुत पहला इस मसीह दे विच आ चुके हैं, लेकिन अज हर एक बंदा सिर्फ चंगाई दे लई, सिर्फ आशीष दे लई, सिर्फ चंगे चीज़ा पाउण दे लई वह प्रभु यीशु मसीह दे कोल आउंदे ने, वह प्रार्थना दे विच आउंदे ने, वह संडे नूं चर्च दे विच आउंदे ने। और वह परमेश्वर ने एक रिश्ता नहीं बनाना चाहते, वह सिर्फ इतों तक सोचते हैं कि सानू सिर्फ चंगाई मिल जाए, डैट्स इट, बस सानू चंगाई मिल जाए, मेरा मोढ़ा ठीक हो जाए, मेरा गोडा ठीक हो जाए, मेरा पेट ठीक हो जाए, मेरे बच्चे का वीज़ा लग जाए, और नौकरी मिल जाए, वधिया रिश्ते हो जाए, वधिया बैंड आ जाए, इदां दा मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों के वास्ते असी प्रभु दे कोल आउंदे हां, और फिर उन्हां चीज़ों नूं लैके असी प्रार्थनावां करदे हां। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि परमेश्वर के कलाम के परमेश्वर ने एक बहुत वड्डा वादा साडे लई कीता होएगा, और वचन च लिखा कि अगर तुसीं उहदियां आग्ञां का पालन करो, अगर तुसीं उहदे हुक्मां के अनुसार चलो, तो वह सारियां आशियां तुहाडे पिछे पै पै के तुहानूं मिलणगियां। जिन्हां आशियां पिछे असीं भजदे हैं, जिन्हां आशियां पिछे असीं भज रहे हैं, जिन्हां आशियां पिछे असीं प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्हां बीमारियां दे लई असीं प्रार्थनावां कर रहे हैं, सच जानो ये चीज़ां दे लई सानूं कुछ भी करन दी जरूरत नहीं है, सिर्फ उहदे हुक्मां नूं पूरा करना शुरू कर दो। हालेलुया। वचन लिखिया उहदे हुक्मां नूं पूरा करना शुरू कर दो, वह तुहाडियां सारियां जरूरतां नूं पूरा कर देगा। एक छोटा जा एक वचन है मत्ती दे विच लिखा होएगा, और परमेश्वर ने साफ साफ एक छोटा जा वचन दे विच सारा कुछ पूरा करता। उत्थे वचन च लिखा है तू मेरे धर्म दे राज दी खोज कर, मैं तेरी सारियां जरूरतां नूं पूरा करांगा। तां परमेश्वर जानदा तुहाडी जरूरत की है, वह जानदा हैगा तेरी जिंदगी च की चल रहेगा, वह जानदा तेरे बच्चे दी जिंदगी च की चल रहेगा, वह जानदा तू किस बीमारी दे नाल चल रहेगा, वह जानदा तू किस कलेश दे नाल चल रहेगा, और परमेश्वर उस चीज़ नूं दूर करन दी सामर्थ रखदा हैगा। हालेलुया। लेकिन असी जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि वचनों पूरा नहीं करना, प्रार्थना नहीं करनी, सिर्फ सानू ये है कि पास्टर प्रार्थना करे और सब कुछ हो जाए, और देखते हैं यूट्यूब पर कोई सानू वधिया पास्टर मिल जाए और उन्होंने देखिए असी कितने वड्डे चमत्कार होंगे, टीवी पर किहड़े पास्टर आते, किहड़े चैनल पर किहड़े पास्टर आते हैं, और देखते हैं किहड़े वड्डे वड्डे दास जिते वड्डे वड्डे गवाहियां होंदियां ने, और असी उत्थे जावांगे तो शायद साडी जिंदगी चों इदां ही वड्डी गवाही बन जूगी।
हालेलुया। पर मैं तुम दसना चाहना है जरूर परमेश्वर अपने दासां दे द्वारा काम करदा है, क्योंकि वो दासां दे एक रिश्ता परमेश्वर नाल बनया होया है। चाहे वह नबी छोटा होवे चाहे वड्डा होवे कोई फर्क नहीं पैंदा, चाहे वह छोटा दास होवे चाहे वड्डा दास होवे उस चीज़ नाल कोई फर्क नहीं पैंदा गा। परमेश्वर दे लई सब इक्को जे ने, वो हरेक दे नाल, क्योंकि पिछे काम करन वाला इक्को ही है, वो सब दा बाप इक्को ही है जो जो पिछे खड़ के काम करदा है। वो चाहे बैनीहीन होवे और चाहे वो इंडिया का कोई भी वड्डा नबी होवे, वो सब दे पिछे उही खड़ता है। चाहे वो एक वो बंदा होवे जिन्हें अज ही सेवकाई शुरू की है और जिसे सिर्फ चार लोग आ रहे हैं, बेशक वह होवे उहदे पिछे भी उही वो बाप खड़ता है और कम बाप ने करना है। हालेलुया। कम उस बाप ने करना है जिहड़ा बाप पिछे खड़ता है कि हालेलुया। तां सानू जरूरत है उस बाप दे नाल रिश्ता बनाउण दी, सानू जरूरत है उस पिता दे नाल रिश्ता बनाउण दी। और जो पिता नाल रिश्ता बन जूगा, सच जानो ये बीमारियां दे लई प्रार्थना करन दी जरूरत नहीं पैनी, सानू आशियां लई प्रार्थना करन दी जरूरत नहीं पैनी, सानू नौकरियां लई प्रार्थना करन दी जरूरत नहीं पैनी। और मैं अक्सर एक गल बोलदा हैगा, तुसीं परमेश्वर नाल रिश्ता बनाओ, तुसीं परमेश्वर नाल अपना रिश्ता कायम करो और चंगाई और बरकत तुहानू रूंगे दे विच मिलेगी। हालेलुया। रूंगा समझदे, रूंगा जिहड़ा सानू फ्री ऑफ कॉस्ट दिता जाता है ना, रूंगा शब्द पंजाब च बहुत फेमस है। तो वो रूंगे दे विच तुहानू मिलेगी आशीष और बरकत और हर एक चीज़ जिन्हां दे तुसीं भज रहे हो, चंगाई जिस लिए तुसीं भज रहे हो, जिहदे पिछे तुसीं भज रहे हो, वो हर एक चीज़ तुहाडे पिछे पै पै के तुहानू मिलेगी रूंगे दे रूप दे विच, जिहदे लई तुसीं कुछ पे नहीं करना, तुहानू बोनस दे विच मिलेगी। लेकिन जरूरी एक चीज़ है, तुहाडा रिश्ता मजबूत होवे। हालेलुया। अगर तुहाडा परमेश्वर दा रिश्ता नहीं है, अगर तुसीं हुक्मां दी पालना नहीं कर रहे, तुसीं वर्ल्ड दे किसी भी नबी दे कोल चले जाओ, ब्लैसिंग नहीं मिलेगी। मिल सकती है कुछ टाइम दे वास्ते, कुछ टाइम दे वास्ते तुहानू रिलीफ मिल सकदा हैगा, लेकिन बाद विच उही समस्या फिर दोबारा शुरू हो जाऊगी, क्योंकि तुहाडा खुद दा रिश्ता परमेश्वर नाल नहीं बनिया। रिश्ता मजबूत करना पैणा हैगा। हालेलुया। अज आप वचन जो देखेंगे परमेश्वर ने साडे नाल की वादा किया है, तो असं वचन पढ़ते हैं व्यवस्था सार उसका 28 अध्याय और उसकी 1 आयत तो पढ़ेंगे। अस्त व्यवस्था सार उसका 28 अध्याय और उसका उसकी 1 आयत तो पढ़ेंगे। हालेलुया। व्यवस्था हिंदी व्यवस्था विवरण कहते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसकी 1 आयत तो पढ़ेंगे आप। हाँ जी जी। परमेश्वर धरती दियां कौमां उच्चा करेगा। बस इत्थे रुको मिंट। तो वचन स्टार्टिंग जैसे की पढ़ रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर की व्यवस्था के सारे हुक्मों की पालना करें तो वह तेनों सारिया जातियां तो उच्चा करेगा। हालेलुया। सारिया जातियां चो, सारे देशों चो, सारे कौमों चो तेनों उच्चा करूँगा। पर शर्त की है, अगर यदि यदि तू उहदे हुक्मां दी पालना करें, यदि तू उहदे हुक्मां नूं मन्ने, जे तू उहदे हुक्मां नूं मन्ने, अगर तू उहदे हुक्मां नूं मन्ने तां इह सारियां आशियां तैनूं मिलणगियां। हालेलुया। परमेश्वर ने पहला कंडीशन दित्ती है, पहले एक कंडीशन लगाई है कि अगर तू ये करेगा तो मैं ये करूँगा, अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं सब कुछ नहीं करूँगा, इदा उल्टा करूँगा। हालेलुया। पर असी करदे की हैं, असी जो सानूं चंगा लगदा हैगा वह आयतां पढ़ते हैं, और जिथे लिखेगा कि व्यवस्था की पालना करनी है, व्यवस्था को पूरा करना है, वह सब कुछ छड़ दें असं। हालेलुया। और फिर सोचते हैं, पास्टर जी मैनू इन्ना टाइम हो गया चर्च आते हजे तक आ हुक्म पूरा नहीं होगा, किवें होगा पूरा? तुसीं पहले वाली लाइन ही छड़ती, पहली आयत ही छड़ती जिथे लिखा है यदि तू उहदे व्यवस्था नूं पूरा करे, यदि तू उहदे हुक्मां नूं पूरा करे तां इह सारियां आशियां तेरे पिछे आउणगियां। दुबारा पढ़ो नी कोई नहीं। सारे हुक्मां दी पालना करो जिन्हां दा अज मैं तैनूं हुक्म दिंदा हां, यहोवा तुहाडा परमेश्वर हां सारियां कौमां
विच उच्चा करेगा। हालेलुया। हिंदी लिखा सारिया जातियां और पंजाबी लिखा सारिया कौमां दे विच उच्चा करेगा, पर जेकर तू उहदे हुक्मां दी पालना करेगा। अगर तू हुक्मां दी पालना नहीं करेगा तो उम्मीद कुछ ना रखियो फिर। हालेलुया। हुण कीड़ियां कीड़ियां ओ बरकतां ने, कीड़े कीड़ियां आशियां जिन्हां दा परमेश्वर ते वादा कर रहा है। ध्यान नाल सुनियो, बहुत ध्यान नाल सुनियो, यही आशियां तुहाडी जिंदगी च कम करने शुरू करनगियां। अगर तुसीं अज इस व्यवस्था दी पोथी उत्ते, तुसीं परमेश्वर दे हुक्मां उत्ते अपना कन्न लगाउणा शुरू करोगे और ते मनन करना शुरू करोगे, यही सारा वचन तुहाडी जिंदगी विच पूरा होना शुरू होवेगा अज तों। हालेलुया। यही हुक्म तुहाडी जिंदगी विच पूरा होगा, यही सारियां आशियां तुहाडी जिंदगी विच पूरियां होणियां शुरू होणगियां। इहनूं तुसीं ध्यान नाल पढ़ो सारे जणे। हांजी पढ़ो। पहली आशी की है, मुबारक होंगे तुसीं अपने शहर दे विच। हालेलुया। नोट कर लो, पहली आशी तू अपने शहर दे विच मुबारक होएगा, तू अपने नगर के मुबारक होएगा, तू अपने मोहल्ले मुबारक होएगा, तू अपने देश में मुबारक होएगा, तू ब्लैसिंग का कारण बनेगा। अगे हाँ मुबारक होवोगे तुसी खेत विच। हालेलुया। तेरा खेत, तेरा बिजनेस, तेरा कारोबार ब्लैस होगा। तू खेतीबाड़ी करदा है, तू माल पशु रखदा है, तू बिजनेस करदा है, तू नौकरी करदा है, तू कुछ भी करदा है, वो तेरी हर एक चीज़ ब्लैस होगी अगर तू परमेश्वर दे हुक्मां नू पूरा करदा है ता। अगे मुबारक होवेगा हाँ तुहाडे शरीर दा फल। हाँ तेरे शरीर दा फल मतलब तेरे बच्चे ब्लैस होणगे। अज असीं देखदे हां पेरेंट्स माँ बाप बहुत वधिया ने पर बच्चे उन्ने वधिया नहीं हो रहे, वो नशे च फसे हुए ने, वो पापां दे विच फसे हुए ने, उन्हां दी जिंदगी खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जिहदी वजह नाल माँ बाप की जिंदगी अशांत हो चुकी है। और इत्थे परमेश्वर वादा कर रहा है तू मेरे हुक्मां ते चल तेरे बच्चे भी ब्लैस होणगे। अगे हाँ तेरी जमीन का फल ब्लैस होगा, तेरी खेती का फल ब्लैस होगा। अगे हाँ तेरे माल पशु ब्लैस होंगे, वो वादा वादा ही वादा आऊगा तेरे माल पशुओं के विच, वो ब्लैसिंग ब्लैसिंग आऊगी। अगे हाँ जी अगे 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 मुबारक। हालेलुया। तेरी रसोई ब्लैस होगी, तेरे रसोई दे विच बरकत होगी, वो कदे भी कमी किसी चीज़ की कमी तेरी रसोई दे विच नहीं आऊगी अगर परमेश्वर दी ब्लैसिंग तेरे उत्ते है। अगे मुबारक होवोगे तुसी हाँ अपने अंदर आउण विच हाँ अते मुबारक होवोगे तुसी अपने बाहर जाण विच। तेरा आना जाना ब्लैस होगा, तू जिथे जाएगा ब्लैसिंगां तेरे पिछे पिछे जाणगियां, तू घर विच आएगा तो ब्लैसिंग लेके आएगा, तू बाहर जाएगा तो ब्लैसिंग लेके जाएगा, जिस दे घर विच घर दे विच जाएगा वो बंदे भी तेरे नाल ब्लैस हो जाएंगे तेरे कारण। ये परमेश्वर की आशी है तुहाडे उपर। अगे हाँ जी हाँ बस एक मिनट रुको। हाँ जी तो आप ये हूँ तक किनिया पढ़िया, ये सत्त ब्लैसिंग है जिहड़ी परमेश्वर ने सानू दसी है और जिहदे विच हर एक चीज़ आ गई, चाहे वह साडा शरीर आ गया, चाहे वह साडा बच्चे आ गए, चाहे साडे बिजनेस आ गए, चाहे साडी नौकरियां आ गई, चाहे सानू नाम ला लो, अज लोग नेम फेम के पिछे भजदे ते इत्थे नाम भी आ गया। परमेश्वर कह रहा मैं तेरे नाम नू ब्लैस करूँगा, तेरा नाम नू मैं उच्चा उठाऊँगा। हालेलुया। तो इत्थे हर एक चीज़ परमेश्वर ने ब्लैस कर दिती, पर शर्त इक्को ही है, पहली शर्त अगर तू ओदे हुक्मां नू पूरा करे। हालेलुया। और इस तो अगे जिहड़ा असीं पढ़ रहे उस च की लिखिया परमेश्वर ने कि ये ब्लैसिंगां हो गई, ये आशियां हो गई, और हुण वो दूजे पासे तैनूं मैं प्रोटेक्शन भी दूंगा, तेरी मैं राखी भी करूँगा, मेरे दूत तेरे नाल रहणगे, अगर तेरे खिलाफ कोई चलूगा तो मैं उन्हां नू दंड दूंगा। जिहड़े लोग तेरे नाल दुश्मनी करनगे तैनूं कुछ करन दी जरूरत नहीं, मैं उन्हां दा हिसाब किताब खुद करूँगा। हाँ जी पढ़ो इहनूं। हां
ਸੱਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਫ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੇਰੇ ਦੂਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਦਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਛ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੇ 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 ਅਕਾਊਂਟ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਖਾਧੀ ਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਜਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ, ਯਹੋਵਾ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਹਾਂ, ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ, ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੌਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ ਦਿਓਗੇ, ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਰਵੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿਓਗੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਬਸ ਬਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਚਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਨਾ ਮੁੜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾ ਮੁੜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਘਿਰਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੇਦੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਘਿਰਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੇਦੀ 'ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਲੀਬ 'ਤੇ, ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਖਾੜ ਫਿੱਟ ਸਿੱਟੋ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਔਫਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਔਫਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਫਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਔਰ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਔਫਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਔਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਫਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਕਿ ਕੁਛ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 40% ਡਿਸਕਾਊਂਟ, 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਔਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਔਫਰ ਅਤੇ ਇਸ ਔਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਔਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਤੇ ਲਾਗੂ, ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਛ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਔਫਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਔਫਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਟ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੁਕਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਬਲੈਸ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਖੁਦ ਗੁੱਟਣੇ ਟੇਕੋਗੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਯੂਟਿਊਬ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਲਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਆਲਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਧੜਾਧੜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਛੱਡਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਚੁਰਾ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਨ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਊਗਾ।
हालेलुया। ये नहीं कल्ला सुनी जाओ, एक प्रचार खत्म हो गया हम दूजा लगा लो, दूजा खत्म हो गया हम तीसरा ला लो, तीसरा खत्म हो गया चौथा ला लो। हालेलुया। थोनू की लगता है प्रचार सुनना थोड़ी इन्नी वड्डी आशीष मिल जूगी, तुम प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जो तुहाडा रिश्ता बनना परमेश्वर नाल वो प्रार्थना च बनना है। हालेलुया। थोड़ा रिश्ता जो परमेश्वर नाल बनना वो प्रार्थना च बनना, जो तुम प्रार्थना च बैठोगे परमेश्वर नाल, जो अपने घुटने टेकोगे परमेश्वर नाल, उदो तुहाडा रिश्ता परमेश्वर नाल बनूगा। हालेलुया। लेकिन जो तक बैठोगे नहीं वो गल बन ही नहीं सकती। और असं सोचते हैं बिना बैठे चल जाए सब कुछ, नहीं चलने वाला कुछ भी। सानू लगता है कि इदा चल जाता है, सानू लगता है इदा सब कुछ वधिया हो जाता है, ये सानू लगता है। असं अपने मन में जिन्ना मर्जी बहका लगे, असं अपने मन में जिन्ने मर्जी भुलेखे पा लगे, लेकिन परमेश्वर लिए कुछ भी चलता नहीं है। वो साढ़े सानू लगता है इदा चल जाता है, इदा इन्ना क चल जूगा, इन्ना पूरा इन्ने क हुक्म पूरे कर लो बाकी तो चल जाएंगे। अरे नहीं चलता, कुछ नहीं चलने वाला। शैतान तुहाडे मन च भुलेखे पाउंदा है, अरे इन्ने क कुछ की होने लगेगा, कोई गल नहीं, कर ला कुछ नहीं होंगे, अरे कर ला कुछ नहीं, इन्ना पाप तो है, कर ला कोई ना, तू इन्ने सारे हुक्म तो पूरे कर ही रहा, जे एक हुक्म तोड़ देना की खास गल है, कोई गल नहीं, कर ला वो कर ला ही तेन कर ला करके अग की झील दे लैके जाऊगी एक दिन। हालेलुया। अज देखो अपने आप नूं, असीं किहड़े हुक्म नूं पूरा कर रहे और किहड़े हुक्म छड्ड रहे हैं। परमेश्वर के वो सारे हुक्म जिहड़े परमेश्वर दिते है, चाहे वह पुराने नियम के वो 10 हुक्म सीगे, और चाहे वह नवे नियम के जो प्रभु यीशु मसीह ने हुक्मों दिता गा, वो सारे हुक्मों को पूरा करना पेगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता गा, वो कोई पुराने नियम के हुक्मों छड रहेगा और कोई नवे नियम छड रहेगा, कोई कहता मैं नवा नियम पढ़ देंगा, कोई कहता मैं पुराना नियम पढ़ देंगा। अरे पूरी बाइबल सानू दिती है। हालेलुया। पूरी बाइबल सानू दिती है, पूरी व्यवस्था साढ़े वास्ते है। कितने नहीं लिखा कि तू कला नवे नियम की व्यवस्था पूरा कर दे और पुराने नियम छड़ दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था तोड़न वास्ते नहीं आया, मैं व्यवस्था पूरा करने वास्ते आयागा। जिहड़ी पुरानी व्यवस्था मूसा ने दित्ती सी, जिहड़ी प्रभु ने परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जिहड़ी व्यवस्था दित्ती सी, मैं उस व्यवस्था पूरा करने वास्ते आयागा, उस व्यवस्था खारिज करने वास्ते, खत्म करने वास्ते नहीं आयागा। फिर तुसी कौन हो जिहड़े उस व्यवस्था खत्म कर रहे हो? हालेलुया। अज पढ़ो दोबारा, दसो हुक्म की लिखे, दसो हुक्म और तुसी केड़ा हुक्म पूरा कर रहे हो, केड़ा हुक्म छड़ रहे हो, अज देखो अपने आप नूं। हालेलुया। आप हर एक हुक्म नूं पूरा करना शुरू करो, हर एक हुक्म नूं बरीकी नाल देखना शुरू करो, अपने आप नूं सारे हुक्मां नूं पूरा करो, प्रार्थना करो, वचन नूं पढ़ो, वड्डियां दा आदर करो, छोटियां नूं प्यार करो, वध तों वध समां परमेश्वर नाल बतीत करो, पवित्रता दे विच रहो, अपने अखां च पवित्रता लैके आओ, परमेश्वर की सहभागता च रहो। तुहाडे जिवें मैं पिछले दिनों तो टॉपिक चल रहा है, परमेश्वर की सहभागता दे विच आ जाओ, तुहाडे देखण तो परमेश्वर दिखे, तुहाडे बोलण तो परमेश्वर दिखे। हालेलुया। हर एक हुक्म नूं पूरा करो, अगर एक भी हुक्म छुटदा हैगा ब्लैस नहीं हो तुसीं यीशु मसीह नाम दे विच। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन बोलता है। वो कहिंदा अगर एक भी हुक्म टुटदा हैगा, मान लो टोटल हुक्म मान लो 20 है, 20 हुक्म मान लो टोटल बनते हैं, और अं सोचते 19 हुक्म असं पूरे करते और एक हुक्म छड़ता कि नहीं आ, तो अगर मैं छड़ता तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो जूगी। और वचन च लिखा है अगर तू एक नू भी छड़ता तो तेरे जो 19 पूरे किए है वह 19 पूरे किए बेकार है। हालेलुया। फैसला तुहाडे हाथ में है, डिसीजन तुसी लेना, तुसी केड़ी जिंदगी जीनी है, तुसी बनावटी जिंदगी जीनी है, तुसीं दिखावे दी जिंदगी जीनी है, या तुसीं प्रभु यीशु मसीह सहभागता दे विच आउणा और प्रभु यीशु मसीह नाल जिंदगी जीनी है। प्रभु तुहानूं ब्लैस करना चाहुंदे ने, प्रभु तां तुहानूं टॉप ते लैके जाणा चाहुंदे ने, प्रभु तैनूं सिर बनाउणा चाहुंदा, पूछणी बनाउणा चाहुंदा, प्रभु तैनूं सब तों बैस्ट बनाउणा चाहुंदे ने अपने शहर दे विच। हालेलुया। पर अगर असीं अज दे हालात देखदे हां तां शायद बहुत सारे जन इस वेले सोच रहे होणगे, जिहड़े इस वीडियो नूं देख रहे ने, कि साढ़े हालात तां इदां दे है नहीं गे, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਦਲ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ 23 ਅਧਿਆਇ ਉਸ 19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਗਿਣਤੀ
अगर कोई कोई इस वेले अगर कोई पंजाब स्टेट तो बाहरों कोई वचन सुन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके दस दो ताकि असी हिंदी च मैं प्रीचिंग कर सकते हैं असी। तो अगर कोई बाहरों है तो जल्दी कमेंट करके दस दो ताकि असी प्रीचिंग हिंदी दे विच कर देवांगे, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। हाँ जी, गिनती अगर कोई पंजाबी च कंफर्टेबल नहीं है सुनन दे विच तां दस दो, असी हिंदी च प्रचार कर देवांगे। हाँ जी, 23 गिनती 23 उसकी 19 आयत बुक ऑफ नंबर्स और श्री चैप्टर 23 वर्स 19। हाँ जी, परमेश्वर इंसान नहीं झूठ बोले। हालेलुया, परमेश्वर इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। अगे ना आदम जाया, हाँ ना वो आदमी दा जाया कि वो पछतावे, हाँ कि वो पछतावे। अगे कि उस आख्या होवे, हाँ अते ना करे कि उन्हें क्या कोई गल कही होवे तो उस गल तो बदल जावे। अगे जा वो बोलिया, हाँ अते वो पूरा ना होया, हाँ जा वो जेड़ी गल बोलिया होवे तो उस गल नु पूरा ना कीता होवे। देखो हाँ मैनू बरकत देण दी आज्ञा होई है। बस 19 पढ़नी कल्ली, बस मैंने हिंदी पढ़ दे, हिंदी में पढ़ दे, द्वारा सुनो। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। कितना जबरदस्त लिखा परमेश्वर का वचन। क्या जो जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन साफ साफ लिख रहा है, उन्हें जो तुहाडे लिए कह दिता, उन्हें जो जो तुहाडे लिए बोल दिता वो अटल है। हालेलुया, उन्हें बोल दिता कि अगर तू ओहदे हुक्मां नूं पूरा करेगा तो मैं तेनूं टॉप बनाऊंगा, अगर तू मेरे हुक्मां नूं पूरा करेगा तो तू ब्लैसिंग का कारण बनेगा, अगर तू मेरे हुक्मां नूं पूरा करेगा तो आशियां तेरे पिछे पै पै के तेनूं मिलणगियां। हालेलुया, उन्हें बोल दिता अगर तू मेरे हुक्मां नूं पूरा करेगा तो तेरे बच्चे ब्लैस होणगे। ओ इंसान नहीं है कि वह कह के बदल जाए, वो इंसान नहीं है कि कह के तू काम नूं पूरा कर दे ते प्रभु कह दे कि ना मैं तो बदलता, ना ना ना, वो अटल परमेश्वर है, उन्हें जो बोलता सो बोलता और जो लिखता वो लिख दिता। वचन लिखेगा आकाश ते पृथ्वी टल जू पर मेरा वचन नहीं टलदा। हालेलुया, तो फिर साफ साफ वचन दस रहेगा, वचन साफ साफ लिख रहेगा कि मेरे हुक्मां नूं पूरा कर, मेरी व्यवस्था नूं पूरा कर और मैं तेनूं उच्चा करूँगा। अज असीं टेंशन लैंदे अपने बच्चों के लिए, असीं टेंशन लैंदे अपने फ्यूचर के लिए, असीं टेंशन लैंदे कि साडा कल नूं की बनन वाला हैगा। अरे परमेश्वर ने तुहाडी सारी चिंतावां अपने उत्ते लै लिया, बस उन्हें इक्को तो शर्त रखी है मेरे हुक्मां नूं पूरा कर। हालेलुया, की है उहदे हुक्म, परमेश्वर दे हुक्म की है? परमेश्वर दे हुक्म है अपने दुश्मनां नूं प्यार कर, अपने गवांडी नूं प्यार कर, बेशक तेरे गवांडी तेरा तेरे खिलाफ चलते ने, तेरे विरोध बोलते ने, कोई फर्क नहीं पैंदा, तू उन्हां नूं प्यार कर, उन्हां नूं आशीष दे, ये परमेश्वर का हुक्म है। परमेश्वर का हुक्म अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया, तू अपने माता पिता का आदर कर, और अगर तुसी आदर नहीं कर रहे तुसी परमेश्वर का हुक्म तोड़ रहे हो। हालेलुया, परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर का हुक्म है तू प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत कर, तू पवित्रता च रह, तू चोरी ना कर, तू व्यभिचार ना कर, तू हत्या ना कर। हालेलुया, तू मूर्ति पूजा ना कर, तू पखंडवाद ना कर, तू दिखावेबाजियां ना कर, तू चुगलियां ना कर, तू झूठ ना बोल, तू गाला ना कढ, तू प्याकड़ ना बन। हालेलुया, ये वचन ये हुक्म ने परमेश्वर दे, और वचन च लिखेगा जे तू इन्हां ये चीज़ां तेरी जिंदगी च रहन गियां तो तू उहदे राज दा वारिस कदे भी नहीं बन सकता। साफ साफ परमेश्वर ने लिखा होगा अगर तेरी जिंदगी च आ सारे काम होणगे तो तू उहदे राज दा अधिकारी, उहदे राज दा वारिस कदे नहीं बन सकता। हुण फैसला तुहाडे हथ विच है, क्यों 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 दिखावेबाजियां कर रहे हो, क्यों पवित्रता दा दिखावा करदे हो? बदलो अपने आप नूं, बदलो अपनी जिंदगी, बदलो अपने नाल दे जिंदगी, तुहाडी वजह नाल लोग ठोकर खा रहे ने, तुसी लोकां लई ठोकर दा कारण बन रहे हो। वचन च लिखा है तू कोई ठोकर दा कारण ना बन, पर तुसी ते लोकां नूं खुद उत्साहित करदे हो, अरे कर ला पाप, मैं भी तां कीता सीगा, की फर्क पैण लग्गेगा। हालेलुया, तुसी तां लोकां नूं उत्साहित कर रहे हो, अरे मैं पाप कीता सीगा, कुछ नहीं होयागा, मेरे तां कोई सज़ा नहीं आई परमेश्वर दी, अरे तू भी कर ला, की होण वाला गा, कुछ नहीं होणा गा। क्यों नहीं होणा गा? जिस दिन होगा ना उस दिन मुँह खुला रह जाऊगा, एक शब्द नहीं मुँह चो निकलना गा।
हालेलुया। याद रखो मेरी आज दी गल नू, परमेश्वर वचन च लिखा है ओ क्रोध विलम ना क्रोध करने वाला परमेश्वर है, मतलब तीरज ना क्रोध करने वाला परमेश्वर है, और तुसी उदे तीरज नू, उदी चुप्पी नू, उदी शांति नू गलत ना समझो। वो मौका दे रहा है बदल जा मेरे बेटे, बदल जा मेरी बेटी। पर तू सोच रहे हो शायद परमेश्वर कुछ पता नहीं चलता। अरे क्यों नहीं पता चलता, हालेलुया, क्यों नहीं पता चलता? अपनी गलत फहमी चो बाहर निकलो, बाहर निकलो अपनी गलत फहमी चो, छोड़ दो अपनी गलत फहमी नू।